परफेक्ट नहीं है लेकिन हर चीज स्पेशल जरूर है। हम में जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं इंक्लूडिंग मी कोई परफेक्ट नहीं है लेकिन सब लोग स्पेशल है। हमें अपनी वो स्पेशल क्वालिटी पहचाननी होगी और उसको तराशना होगा, उसको पॉलिश और ग्रूम करना होगा जो काम उसने किया स्टैचू में। और दूसरे ने क्या कहा, मैं तो ऑलरेडी मार भी लूंगा, मैं तो ऑलरेडी एक थिंकिंग मत करूँ, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो ऑलरेडी ये बी कर रहा हूँ, मैं तो ऑलरेडी डिप्लोमा कर रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है। ऐसा नहीं, आपका कॉम्पिटिशन इस कॉमन रूम में नहीं है, आप कॉम्पिटिशन बाहर वेट कर रहे हैं। हमें देखना होगा, जैसे आज आगे बात करेंगे रणदीप साहब के, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के एक्सपेक्टेशंस है क्या। और हमेशा मेरी एक बात याद रखिएगा, कुछ बातों में आपको यार सीख देंगे जा रहा हूँ। पहली एडवाइस आप सबसे, आप सब मेरे छोटे हैं, सक्सेस दुनिया में हमेशा आपके शब्दों पर आती है। अगर आप ये सोचें, हम ये सोचें कि कामयाबी हमें हमारे शब्दों में मिल जाए, अगर मुझे बी करना है तो मुझे बी का, अगर मुझे डिग्री करनी है तो मुझे बी से निकाल निकालना है, तभी आईआईटी कॉलेज ग्रेजुएट दीजिए। अगर मुझे आईएएस बनना है तो मुझे मेहनत करनी होगी, मुझे सी सैट भी करना होगा, मेंस भी और इंटरव्यू भी, आईएएस बनने की शर्त है। तो कामयाबी हमेशा याद रखिएगा आपकी शर्तों पर आएगी, हमारी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं आएगी, इतना कोई खुशमजत नहीं होता। क्लियर? एंड द लास्ट वर्डिंग दो आ गई मेरे पास, एक और चाहिए। Yes. So everyone has not equal. Everyone? Everyone has not equal and equal opportunity. Even they can have equal work, but everyone not equal talent. The both of them the same came, but they don't have the same. No, but both of them had the same opportunity of that you know, that grooming thing. One said, I'm already a model talent, I don't need any further improvement. And the other said, नहीं सर मैं मार्केट का पता जरूर, लेकिन मेरे को शेप नहीं है, अगर आप मुझे शेप में ले आएंगे तो मेरी लेवल बढ़ जाएगी। वही हुआ, दूसरा मार्बल पत्थर शेप में आ गया तो क्या बन गया, स्टैचू। और दुनिया कह रही है साहब क्या खूबसूरत स्टैचू। और पहला वाला मार्बल पत्थर जरूर था, उसमें क्वालिटीज भी थी मार्बल की, लेकिन उसका शेप नहीं था, उसकी जगह कहाँ थी, फ्लोर। राइट? तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम सब बहुत अलहमदुल्ला अपने फील्ड में स्ट्रॉन्ग है, सब अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है, लेकिन we have to keep on learning, we have to keep on learning. जिस भी आप में से हम सब में जिसको एहसास हो गया कि I am perfect, अब मुझे मजीद सीखने की जरूरत नहीं है, यकीन मानिएगा that is मतलब learning का वो last day होगा। तो जहां से आप दो बातें सीखने के मिली, मैंने सीखी है, जिससे मिले सीखिए, बड़ों से, छोटों से, साथ वालों से, टीचर से, but keep on learning, किताबों से, नेट से, but keep on learning. ये बड़ी अच्छी पॉजिटिव क्वालिटी होती है कि मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर शुजा जुबैरी साहब, ब्रिटिश काउंसिल में है वो, और कैम्ब्रिज के पास आउट है, वापस इंग्लैंड चले गए, उनको मैंने एक सी वी देखा, तो उसके सी वी में शायद इतना मोटा जो सी वी था, छोटी सी किताब में से, और उन्होंने आखिर में लिखा हुआ था, माई बिगेस्ट क्वालिटी इज आई एम ऑलवेज रेडी फॉर इम्प्रूवमेंट, मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार हूँ, इट्स अ वंडरफुल क्वालिटी। ऑलराइट, सो दिस वाज द, अब आप समझ सकते हैं कि जो छोटी सी वर्कशॉप होती है दो दिन की, हम और लंबी कर सकते थे, लेकिन वक्त की कमी है, फिर आपके आगे और भी फंक्शंस भी हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले वक्त में आपके सीनियर हॉल से, आपके सीनियर से बात करके, आपके ऑडियंस साहब से बात करके, एक हफ्ते की स्पोकन इंग्लिश मीटिंग की वर्कशॉप हम रखेंगे और इसको इंशाल्लाह आगे वही कंटिन्यू करते रहेंगे। पड़ोसी होने का कुछ वहाँ है, सो आई डू दैट एंड आर एम ऑलवेज वेरी गुड फॉर माय हार्ट। अब आते हैं दूसरी चीज पे, देखिए दस मिनट में आपको आपसे बात करूंगा करियर प्लानिंग के बारे में। तो इससे पहले कि मैं इस पे आऊं, लेट्स डू द फर्स्ट थिंग, सक्सेसफुल करियर फॉर स्टूडेंट्स, करियर हर आदमी को देखिए, करियर ऑब्जेक्टिव, आई वांट टू मेक माय करियर, माय करियर ऑब्जेक्टिव इज दिस। मेरा आपसे एक सवाल है, जॉब में और करियर में कुछ फर्क है, अगर है तो क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जॉब एंड अ करियर?
और आपको क्या करना है जॉब या यू वांट टू बिल्ड career needs satisfaction. I just want to say that career needs satisfaction. अगर आपके पास सुकून नहीं है किसी चीज़ का, कोई काम कर रहे हैं सर, उसमें आपको सुकून नहीं है तो सर आप मतलब वो आपका है कुछ ऐसा नहीं है कि आप जॉब कर रहे हैं जबरदस्ती कर रहे हैं उसमें और आपके पास उस चीज़ की सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप उसमें बेटर कर उसमें बेटर कर ही नहीं पाएंगे सर ठीक है वसीम साहब ने ये बात कही कि इंटरेस्ट होना चाहिए ठीक है जॉब को भी हम हमारा अपना जॉब है एक और आपने सुनो बताया जॉब में और करियर में क्या फर्क है जल्दी प्लीज ये गॉट आई गॉट वेरी लिमिटेड टाइम जल्दी बताइए यस एनी डिफरेंस बिटवीन जॉब और करियर में तो फर्क है या नहीं है हम लोग ये क्यों लिखते हैं सीवी पे जॉब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव ये क्यों लिखते हैं करियर ऑब्जेक्ट हम ये क्यों बात करते हैं जो हमारे समराइज कर दिया कि जॉब इज ओनली फॉर यू बट योर करियर इज फॉर जिंदगी के लिए करियर होता है देखिए मैं इसको समराइज अगर करूँ तो नौकरी जॉब इज फॉर रेवेन्यू फॉर अर्निंग आपकी जरूरत पूरी करने के लिए करियर क्या होता है जॉब प्लस सेटिस्फेक्शन जॉब प्लस सेटिस्फेक्शन हमें हम जॉब भी कर रहे हैं ऐसी जॉब कर रहे हैं जिससे हमारी रोजगार भी चल रही है और कहीं ना कहीं हमें यह सुकून हो रहा है कि हाँ यार किसी भी चीज़ के लिए तो मैं बना था मुझे ये तो काम करना है आपके सामने जो इंसान खड़ा हुआ है ही इज 45 इयर्स ओल्ड एंड हिज करियर स्टार्टेड व्हेन ही वाज 35 इयर्स मेरा करियर 35 साल में शुरू हुआ जब मैं 35 साल की उम्र में उससे पहले मैं क्या कर रहा था जॉब खाली मतलब भी नहीं था लेकिन शायद मैं वो नहीं कर रहा था जिसके लिए मुझे लगता है कि मुझे बताने लगा एंड माई करियर स्टार्टेड इन 06 व्हेन आई जॉइंड कोचिंग एंड सेंटर एज अ काउंसलर ऑन पार्ट टाइम बेसिस And believe me, my dear friends, for 4 years, कुछ सीरियस कंडीशन मेरा पास जानते हैं 4 साल मेरी तनख्वाह थी 6,000 रुपए ₹6,000 एंड इन दैट टाइम आई वॉज हैविंग अ सन एंड अ डॉटर मैंने अपनी जिंदगी के 4 साल काम किया किसी में 6,000 कुछ रुपए पे इसलिए किया क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन मिला मुझे पता था कि ये नौकरी जो मैं कर रहा हूँ ये मुझे कहाँ लेके जाने वाली है तो हमेशा याद रखिएगा दूसरी सीख ले रहा हूँ पहले मैंने क्या क्या की थी कि सक्सेस हमेशा अपने शब्द पर आती है हमारे शब्द में दूसरी एडवाइस देकर जाता हूँ डोंट गेट फैसिनेटेड बाय समथिंग इन योर लाइफ कभी किसी को देख के मुतासर मत हो जाइए ऐसे अरे यार यूनिफॉर्म अरे कभी आईपीएस हो अरे यार फला ये मैं भी ये कर लूँ अगर आपको लगता है कि आपके अंदर इंस्टिंक्ट है आपके अंदर ये आवाज कहती है कि मैं इसी चीज के लिए बना हूं मुझे करना है तो करिए बट डोंट गेट फैसिनेटेड फैसिनेशन डाइज टू अर्ली माय डियर इट इज द इंस्टिंक्ट व्हिच कैरीज यू थ्रू योर लाइफ अगर आपके अंदर इंस्टिंक्ट नहीं है तो आप 2-4 साल ये वो काम कर पाएंगे फिर कहीं क्या छोड़ जाएगा या आप लीड डांसर बन जाएंगे एवरेज परफॉर्मर आप बन जाएंगे एवरेज परफॉर्मर की आज की दुनिया में कोई जगह नहीं देयर इज नो रूम फॉर एवरेज इंजीनियर एवरेज टीचर एवरेज साइंटिस्ट एवरेज बिजनेसमैन या एवरेज व्हाटएवर देयर इज नो प्लेस मैं अलीगढ़ में भी बहुत दोस्त मिलता हूँ रेलवे बाहर भी अगर आपको लाइफ में कुछ करना है कुछ भी करना है वन ऑफ द बेस्ट करना है कॉमन इंसान की एवरेज परफॉर्मर की आज की रेस में कोई जगह और वो कब होगा जब आपके अंदर इंस्टिंक्ट होगा अगर इंस्टिंक्ट होगा जैसे आपके दोस्त ने कहा कि वी हैव टू कीप ऑन मूविंग आप वो जब भी कर पाएंगे जब आपके अंदर इंस्टिंक्ट होगा वरना छोटी मोटी रुकावटों से आप हथियार डाल देंगे हार मान जाएंगे बैठ जाएंगे क्यों क्योंकि आप कहेंगे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था ये इतना मुश्किल है इसमें इतनी रुकावट आ सकती थी मैं तो शौक में आ गया अरे छोड़ गया वापिस चलना नहीं वापिस चलते घर पर ये चलो कुछ और करो
अच्छा आप पीछे मुझे देखेंगे तो कोई नहीं होगा आपके साथ, फिर आप बहुत आगे निकल चुके हैं। इसीलिए टाइम है आपके पास, ये राइट टाइम है। और ये वर्कशॉप जो है ये ऐसा नहीं है कि आज खत्म, बल्कि हम लोग ये हेल्प करें, मैं ऑर्गेनाइजर्स और आप, कि यहां से वी हैव टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन। क्योंकि ये जो दो दिन में आप सेंसिटाइज तो हो सकते हैं, आप अवेयर हो सकते हैं, आप मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन वी हैव टू कीप ऑन मीटिंग। और मैं ये बात फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे छोटे भाई से, जो आपके सीनियर हो रहे हैं, मेरे सारे छोटी से जानते हैं कि प्लीज जो आपने ऑलरेडी काउंसलिंग से है, यहाँ पे काउंसलिंग की भी कल एक शुरुआत करें। हफ्ते में चाहे एक दिन हो, रोज साहब नहीं है, लखन से उसे ये रिक्वेस्ट करता कि हमारे पास वर्ल्ड की टीम्स हैं, सीनियर स्टूडेंट्स हैं, मैं हूँ और लोग हैं, इस तरह का एक टाइटल हो रहा है कि हफ्ते में एक दिन ये रहेंगे, हफ्ते में ये रहेंगे, हफ्ते में ये रहेंगे, बहुत बड़े कम से कम ये तो लगे हमारे बच्चों को कि यार ये एक ऐसी जगह है हफ्ते में ये कैसे दे रहे जहां मेरी बात सुनी जा सकती है। और यही खूबसूरती है हॉस्टल्स की। आई एम सॉरी टू से हॉस्टल लाइफ तो आज भी हम वो फायदे भी हमारे जरूर बनाए। तो प्लीज एक कल्चर बनाइएगा, आप लोग भी निकल के आइए। मुझे बहुत खुशी हुई जब आ रहा था एक मंदिर वाले बाकी आना, तो मुझे लग रहा था यार पता नहीं बच्चे होंगे नहीं होंगे, 3 बजे के टाइम में धूप हो रही है, गर्मी का वक्त है, नहीं निकल के आए। आगे की बात करते हैं करियर के ऊपर। ये एक सवाल है जिसमें हम सबको काम करने की जरूरत है, हु एम आई। सबसे कॉमन सवाल हमारे बच्चों के जवाब है, हु एम आई, मैं हूं कौन, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मेरा मिजाज क्या है, मुझे क्या अच्छा करना पसंद आता, क्या मैं अवॉइड करता हूं। और यकीन मानिएगा मेरे पास पीजी पीएचडी डिग्री के स्टूडेंट्स आते हैं, जब इंटरव्यू तैयारी करने आते हैं, मैं उनसे सवाल करता हूं कि व्हाट आर योर 3 strengths एंड व्हाट आर योर 3 weaknesses, वो जवाब नहीं दे पाते क्योंकि उन्होंने कभी इतना टाइम निकाले नहीं अपने ऊपर बैठ के। सबके पास टाइम, सबके लिए हमारे पास हमारे पास है कि ये वक्त है, भाई बहन के लिए वक्त है, दोस्तों के लिए वक्त है, लेकिन अपने लिए कोई वक्त ही नहीं। कितने बच्चे आपस बैठे हुए जो बाहर रूम में 1 घंटा का टाइम निकालते हैं और सोचते हैं अपने बारे में, करियर के बारे में नहीं। बीटेक देखा जाएगा, अभी तो बहुत टाइम है, तो फर्स्ट ईयर है। आप ऐसे बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इस सोच के आगे तो फर्स्ट ईयर डिप्लोमा का यार, आज वही लोग बी फाइनल में आ गए और उनसे पूछिए वक्त याद हो गया यार, वक्त कैसे गुजर गया। सो टाइम फ्लाइज लाइक दिस माय डियर फ्रेंड्स, आज सही सोचिए, आधा घंटा निकालिए रूम में अपने बारे में, चाहे ढाई बैठिए, चाहे कैंटीन पे, चाहे रूम पे, लेकिन सोचिए कि यार मुझे करना क्या है। डिप्लोमा के बाद बी करना है, ठीक है, अब कुछ हो जाए मुझे बीई करना है, मुझे नौकरी करनी है तो किस फील्ड में करनी है, और क्या मैं जॉब में तैयार हूं या नहीं, मेरे पास वो स्किल्स है या नहीं, ये जो भी करना प्लीज डिसाइड। ये बस सोचिए अभी तो फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, अरे तो फाइनल ईयर है, अभी तो एग्जाम बाद देखा जाएगा, नहीं है। आप तो वेट कर सकते हैं, आप कॉम्पिटिशन वेट नहीं करना, तो बहुत तेजी से तैयारी कर रहा है चीज की। ये वर्ड है बड़ा इंपॉर्टेंट, पर्सनैलिटी, PERSONALITY, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपसे किया। आप यकीन मानिएगा कि मैंने देखा है बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में वो कहते हैं कि साहब स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आप किसी भी कोचिंग सेंटर के पास जाइए, आज ही जाइए, वक्त निकालिए और उससे पूछिए कि पर्सनैलिटी होती क्या। आप कहते हैं कि स्पोकन इंग्लिश एंड PD पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बड़ा कॉमन वर्ड है, उससे पूछिए आगे कि होता क्या है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी होती क्या है, तो मेरी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसको पता ही नहीं पर्सनैलिटी क्या, वो लिख रहा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यहाँ तोता भी इंग्लिश बोलता है, यहाँ फला भी इंग्लिश बोलता है। ऑलराइट, तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ऑर्डर कर रहा हूँ, थर्ड रिक्वेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह AMU प्रोवाइड्स वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। आपको किसी कोचिंग क्लास में जो ये कि मेरी पर्सनैलिटी डेवलप है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन तरीका है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उससे अच्छी कोई तरीका हो नहीं सकता। AMU ड्रामा क्लब
लिटरेरी क्लब हॉबीज वर्कशॉप स्पोर्ट्स हॉल फंक्शंस क्या नहीं है हमारे पास लेकिन वही मैं देखता हूँ ये चीज का भी अफसोस होता है कि मैं अक्सर देख रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से वही चेहरे चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वही चेहरे हर जगह पाए जा रहे कॉमन लड़के कभी निकल के आ रहे हैं आप लोग निकल के आइए भीड़ का हिस्सा मत बनिए प्लीज सीखिए और इंशाल्लाह अगर हम यहाँ पे वर्कशॉप करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि पोडियम पे आकर हम कैसे बोला जाता है कैसे मेहमानों का इस्तेमाल किया जाता है कैसे वो थैंक्स करते हैं कैसे टीम में काम करते हैं कैसे डेडलाइंस पे काम किया जाता है हर तरह के मिजाज के बच्चे के साथ कैसे काम किया जाता है इसे यही तो है परसेंटेज और क्या कौन सी कोचिंग सिखाएगी आप एमयू पे फ्री में आप अभी परसेंटेज कर रहे हो यही था भी ससे अगर हमारा का यही विजन भी था तालीम के साथ तरबियत तरबियत क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और क्या बड़ों की इज्जत छोटे से मोहब्बत कैसे उठना है कैसे बैठना है क्या पहनना है कैसे लोगों से बात करनी है कैसे हाथ मिलाना है कैसे ग्रीट करना है ये क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो एमयू की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का हिस्सा बनी है और इस चीज से बाहर निकल गया ये पॉलिटेक्निक गए आरएम मॉल पॉलिटेक्निक आरएम मॉल नहीं मेरी दिल से ख्वाहिश है कि डिप्लोमा के बच्चों को खाओ ये इन्हीं बारों में भी डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के अलावा एक तीसरा रास्ता भी होना चाहिए कहीं भी हो सके और सोचिए सोचे पार्टिसिपेट करिए बस सोचिए हारूंगा जीतूंगा आप यदि मानेगा आपसे एक दो बार हारेंगे लेकिन चौथी बार जो आप जीतेंगे तो उस वो एक इवेंट कम से कम एक साल की पर्सनैलिटी असली बराबर होगा डू दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप खुद देख रहे हैं मैंने सीखा था पर्सनैलिटी का कितनी तो कुछ पर्सनैलिटीज हैं आर्टिस्टिक है साइंटिफिक है प्रोटेक्टिव मैकेनिकल बिजनेस ह्यूमैनिटेरियन फिजिकल परफॉर्मिंग और क्रिएटिव अब आप लोग तो माशाल्लाह ऑलरेडी एक ट्रैक पे आ चुके हैं ये खास तौर से उन लोगों के लिए है जो हमारे 9-10 के बच्चे हैं या 11-12 के हैं या बी ए बीमो बेसिक है जिनको अभी भी नहीं पता था उसको टेक्निकल जाना है या मेडिकल जाना है फिर भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये कुछ पर्सनैलिटी होती है हर इंसान के और आप खुद देखिएगा कि इन पर्सनैलिटी के हिसाब से करियर्स हैं अगर आपकी पर्सनैलिटी आर्टिस्टिक है तो फाइन आर्ट्स ऐसा भी कोई दलील नहीं है कि डिप्लोमा कर लिया है या करने के कर रहा है तो ये नहीं कर सकते ऐसे कोई रूल नहीं है सेकंड चले आपके लिए ना हो आपके लिए थर्ड है आपके लिए फोर्थ क्वालिटी ऑलरेडी है बिजनेस है ह्यूमैनिटेरियन है तो आई जस्ट वांट टू शो यू कि अगर मेरा मिजाज ये है तो मेरे लिए आप माशाल्लाह इतने फॉर्चुनेट हैं कि आज की डेट में जो आपका मिजाज है दैट कैन बी योर करियर मेरे जमाने में क्या था इंजीनियरिंग पीएमटी बहुत होता है एमबीए आपके जमाने में इंजीनियरिंग और हॉबी के लोग करें सिर्फ अपने आप को सही टाइम पे पहचानने की जरूरत अभी हमने 3-4 साल पहले एक प्रोग्राम किया था कैनेडी हॉल में इसी आर एम हॉल का के एक रेजिडेंट मेंबर आए थे आप ही के रूमर्स थे ही डिड हिज डिप्लोमा इन मैकेनिकल फ्रॉम एमबीए देन ही डिड हिज बीए फ्रॉम इग्नू आफ्टर पुट अप ही वाज आल्सो क्लास विद पास इग्नू से बीए करने के बाद ही क्वालिफाइड आईएएस एंड देन ही वाज वर्किंग एज अ सिविल कमिश्नर छोटे से एग्जांपल दूंगा